हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है उच्च न्यायालय राजस्थान का, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में। हाई कोर्ट को बोलते हैं हिंदी में उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट के बारे में हम जानेंगे। हाई कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन में, नंबर ऑफ जजेज कितने होते हैं, जजेज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जजेज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जजेज का किसके सामने ओथ लेते हैं, उनका ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, उनको हटा कौन सकता है जजेज को, जजेज की सैलरी कितनी होती है, जजेज का टेन्यूर कितना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज, सुप्रीम हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ये हमारा 10th लेक्चर है और क्लास 10th का चैप्टर 7 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑलरेडी मैं 9 लेक्चर अब तक अपलोड कर चुका हूँ। ये 10th लेक्चर है, उसके बाद एक लेक्चर और आएगा तो ये चैप्टर हमारा कम्प्लीटली ओवर हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट की पावर्स। तो पहले देख लेते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है डिस्प्यूट रिजोल्व करना। जुडिशरी में स्टेट, आपको पता है, स्टेट में आता है हाई कोर्ट, और एग्जीक्यूटिव में हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर में भी हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, दोनों में आता है, ध्यान रखना, लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में। तो आप इन पिछले लेक्चर्स को देख सकते हो। बात करें स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का कैसा स्ट्रक्चर है इंडिया में, तो जुडिशरी का ये स्ट्रक्चर है, सबसे नीचे होते हैं लोअर कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे होते हैं, और स्टेट लेवल पर होते हैं हाई कोर्ट। तो स्टेट का जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है उसको बोलते हैं हाई कोर्ट, और कंट्री में सबसे ऊपर होता है, अपेक्स लेवल पे। अपेक्स लेवल की बात करें, अपेक्स का मतलब सबसे ऊपर, अपेक्स लेवल पर होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हमारे देश में जो सबसे सबसे ऊपर वाला जो कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट। और जुडिशरी का जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि डिसीजन आप किसी भी कोर्ट में जाओ, वहाँ पर फैसला सुना जाएगा। ठीक है, अगर आप उस फैसले से पर संतुष्ट नहीं हो तो आप ऊपर भी जा सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम है। कहीं भी देश के किसी भी पार्ट में आप जाके, किसी भी कोर्ट में आप जाके, आप मतलब केस लड़ सकते हो। ठीक है, और फिर संतुष्ट नहीं हो तो आगे भी बढ़ सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर है जुडिशरी का। तो ध्यान रखना, हाई कोर्ट स्टेट लेवल का सबसे ऊपर वाला कोर्ट है, और हाई कोर्ट से ऊपर होता है फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, और हाई कोर्ट की संख्या इंडिया में है 24, और बाकी फिर लोअर कोर्ट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो अगर आप हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप कहाँ पर जा सकते हो, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर लास्ट में आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लास्ट अपीलेट कोर्ट है, इसके बाद आप और कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई सारे कोर्ट होते हैं। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है, तो इनको लिखना मत आप बुक में। अच्छा, अब हाई कोर्ट की बात करें तो मैंने बताया था हाई कोर्ट हमारे इंडिया में कैसा सिस्टम है, सिंगल जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे होते हैं हाई कोर्ट होते हैं प्रत्येक स्टेट के। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो होता है स्टेट का सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट होता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 214, 214 आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, और कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर एक ही हाई कोर्ट दो या दो से स्टेट ज़्यादा स्टेट के लिए हो सकता है। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम सुने होंगे, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो वहां पर एक हाई कोर्ट कई सारे मतलब स्टेट्स के लिए। और एक आपने सुना होगा पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा का एक ही कोर्ट है। तो आपको पता है इंडिया में स्टेट तो 29 है, प्लस 7 यूनियन टेरेटरीज है, मगर टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, टोटल हाई कोर्ट 24 हैं। तो इसका मतलब कई सारे हाई कोर्ट क्या है, मिक्स हैं, मतलब कई सारे स्टेट के लिए मतलब मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो कई सारे स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, मगर क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 214 में, आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, और कुछ केसेस में एक ही हाई कोर्ट दो या दो से अधिक स्टेट के लिए हो सकता है। तो आज की डेट में टोटल हाई कोर्ट है 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया में। और जो अंग्रेजों के टाइम पर सबसे पहले हाई कोर्ट बने थे, कहाँ कहाँ पर बने थे, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। 1862 की बात है, 1862 की बात है, 1862 में अंग्रेजों के ज़माने में तीन जगह पे सबसे पहले हाई कोर्ट बने थे, ध्यान रखना, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इसके बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो कि यूपी में, ये बना था 1866 में, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक जानकारी। फिर बात करें फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क का, एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट में पहले आपको ये पॉइंट बताने, सब पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप इनको लिख लेना एक पॉइंट को कि क्या क्या हम लिखने वाले हैं, तो फिर इसके बाद एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट में। सबसे पहले नंबर ऑफ जजेज कितने होते हैं हाई कोर्ट में,
जजेज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उनका टेन्यूर क्या होता है, टेन्यूर का मतलब कार्यकाल, और ओथ किसके सामने लेते हैं, ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, और सैलरी कितनी होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। अब बात करें नंबर ऑफ जजेज की, तो नंबर ऑफ जजेज की अगर बात करें तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं नंबर ऑफ जजेज, आज की डेट में 31 जजेज चीफ जस्टिस को लगाते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर फिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक हाई कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होगा, मतलब मुख्य जज होगा, जिसको मुख्य जज बोलते हैं, साथ के साथ में और अदर जज होंगे, मुख्य जज को हम न्यायाधीश भी बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो प्रत्येक हाई कोर्ट में एक तो मुख्य जज होगा और उसके साथ अदर जजेज होंगे। अब कितने होंगे ये नंबर फिक्स नहीं है, ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये नंबर फिक्स है कि एक मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, बाकी 30 अदर जजेज होंगे। तो टोटल वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में कितने, 31 है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, जजेज का जो मतलब कितने नंबर ऑफ जजेज होंगे किसी हाई कोर्ट में, उनको फिक्स करने की पावर दी गई है किसको, प्रेसिडेंट को, जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वही फिक्स करेंगे कि किस हाई कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं। तो फाइनल पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। दूसरा, अब बात करें कि जजेज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ध्यान रखना जजेज का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो चीफ जस्टिस और अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, तो चीफ जस्टिस और उसके साथ साथ जितने भी जजेज हैं सबका अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट को द्वारा, और हमारे प्रेसिडेंट कौन है आज की डेट में, श्री रामनाथ कोविंद जी। मगर जब प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं तो प्रेसिडेंट सलाह लेते हैं, तो किन किन से सलाह लेते हैं, एक तो गवर्नर से सलाह लेंगे, जैसे अगर राजस्थान में अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो राजस्थान के गवर्नर प्रेजेंट में कल्याण सिंह, साथ के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI की फुल फॉर्म में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आज की डेट में रंजन गोगोई हैं। तो ये जब जजेज का अपॉइंटमेंट करेंगे तो अपॉइंटमेंट करते समय दो व्यक्तियों से सलाह लेते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं उनसे सलाह लेंगे, प्लस गवर्नर से सलाह लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी चीज़ है जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आपको जज बनना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो जॉली LLB में ये जज हैं सुंदरलाल त्रिपाठी जी, और ये कौन है, लॉयर हैं, ठीक है, अक्षय कुमार। तो आपको जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए नंबर एक, एक तो आप भारत के सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, कोई दूसरे देश का व्यक्ति आके यहाँ पे जज नहीं बन सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको मिनिमम जुडिशियल पोस्ट पर 10 साल काम किया हो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप किसी जगह पर जज रहे हो तो कितने साल तक जज रहे होने चाहिए, 10 साल तक मिनिमम आपने जुडिशियल पोस्ट पर काम किया हो, ठीक है, जज की तरह लोअर कोर्ट में। तीसरी चीज़, जज बनने के लिए एटलीस्ट या फिर या तो ये हो या फिर 10 साल के लिए कम से कम आप एडवोकेट रहे हों, ठीक है, एडवोकेट या लॉयर रहे हों। तो तीन चार कंडीशन दे रखी हैं, ये एक तो भारत के सिटीजन होने चाहिए, साथ के साथ में 10 साल आपने क्या किया हो, जुडिशियल पोस्ट पर रहे हों, या फिर आप एडवोकेट की तरह काम किया हो 10 साल किसी हाई कोर्ट में, या दो से अधिक लोअर कोर्ट्स में आपने काम किया हो, ठीक है। तो तीन क्वालिफिकेशन है, भारत का सिटीजन, 10 साल, या तो फिर आपने जुडिशियल पोस्ट पर काम किया हो, या फिर 10 साल आपने किसकी तरह काम किया हो, लॉयर की तरह या एडवोकेट की तरह, एडवोकेट का हो या लॉयर का हो, दोनों का मतलब क्या है, वकील की तरह काम किया हो, तो दोनों के लिए 10 साल है। अगर आप हाई जुडिशियल पोस्ट पर काम किया हो मतलब जज की तरह काम किया हो तब भी 10 साल, और लॉयर की तरह काम किया हो तब भी 10 साल, तो इनमें से एक होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप क्या बन सकते हो, सुप्रीम हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। टेन्यूर की बात करें, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो जनरली जो जजेज होते हैं वो ऑफिस में 62 साल तक रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बताओ कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट का है 65 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं 65 ईयर्स तक, मगर हाई कोर्ट के कितने तक रह सकते हैं, 62 ईयर्स तक रह सकते हैं, ठीक है। जजेज जो अपना रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा किसको देते हैं, जजेज अपना इस्तीफा देंगे प्रेसिडेंट को देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और हाई कोर्ट के जजेज को, अगर हाई कोर्ट के जजेज को उनको हटाना है तो हटाने की पावर भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, मगर प्रेसिडेंट इनको डायरेक्ट नहीं हटा सकते, पहले जजेज को हटाने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 ऑफ मेजोरिटी से एक प्रपोजल पास होना जरूरी है, एक प्रस्ताव पास होना बहुत ज़रूरी है। जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, भारत की संसद में 2/3 मेजोरिटी से, तब जाके प्रेसिडेंट हटाएंगे किसको, जज को। तो ये हो गया टेन्यूर के बारे में। अब बात करें ओथ टेकन बाय द जजेज, ये ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, ये जजें आज की डेट में राजस्थान के जस्टिस रविंद्र भाट, ठीक है, आपको याद नहीं रखना, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पिक लगा दिए। तो जजेज भी ओथ लेते हैं, तो ओथ ध्यान रखना है, ओथ किसके सामने ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ओथ
जो गवर्नर होता है, तो ये गवर्नर है कल्याण सिंह जी। तो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है देखो, जस्टिस भारद्वाज एडमिनिस्टर्ड दी ओथ ऑफ ऑफिस बाई गवर्नर कल्याण सिंह। तो मतलब जो जजेज ओथ लेते हैं तो वो किसके सामने ओथ लेते हैं, गवर्नर के सामने। अब देखो सारे काम प्रेसिडेंट करते हैं, मगर ओथ किसके सामने लेते हैं, ये गवर्नर के सामने। देखो अगर अपॉइंटमेंट करना है तो प्रेसिडेंट करवाएंगे, उनको रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट करवाएंगे, ट्रांसफ़र करना है तो प्रेसिडेंट करवाएंगे। मतलब सारे काम कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, मगर ओथ किसके सामने ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में बड़ा आ जाता है, ठीक है, काम का क्वेश्चन है। तो ओथ जो होते हैं स्टेट ओथ जो होते हैं हाई कोर्ट के जो जज, वो लेते हैं किसके सामने, गवर्नर के सामने, ये ध्यान रखना है बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रविंद्र भाटिया, ठीक है, ये रविंद्र भाट, तो ये जस्टिस हैं राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये ओथ किसके सामने ले रहे हैं, गवर्नर के सामने ओथ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र की बात करें तो प्रेसिडेंट ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसका, जे आलंगे, फ़ोटो मैंने वो लगा दिया एंड क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वही हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर सलाह लेंगे किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये हैं रंजन गोगोई, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ये जो अगर जजेज का इनको ट्रांसफ़र करना है तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं जजेज का ट्रांसफ़र, मगर हेल्प किसकी लेंगे, सहायता किसकी लेंगे या एडवाइस किससे लेंगे, ये लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो सुप्रीम कोर्ट में होता है। अब बात करें सैलरी कितनी होती है, तो पहली बात तो सैलरी डिसाइड करने की जो पावर है वो दी गई है संसद को, पार्लियामेंट को दी गई है। जो जजेज की जो सैलरी होती है वो डिसाइड करेगा कौन, पार्लियामेंट, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो हाई कोर्ट के जज हैं मगर इनकी सैलरी कौन डिसाइड कर रहा है, पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज बहुत रहते हैं लोग बाग इसमें। अब जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी सैलरी है 90,000 रुपये पर मंथ, और बाकी जो जजेज हैं उनको मिलेंगे 80,000 रुपये पर मंथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी के बारे में। अब बात करें कि ये क्वेश्चन बनता है हाउ, ये तो हो गया हमारा इतना ही, ये वाला जो हमने पढ़ा है कंपोजिशन या फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें ये 7 पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद एक अलग से क्वेश्चन है, हाउ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि जुडिशरी ऑर्गन गवर्नमेंट का कैसे इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, तो जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, इसके 4-5 पॉइंट लिखने हैं। नंबर एक, जो जजेज होते हैं जुडिशरी में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी में भी, जजेज का अपॉइंटमेंट एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉलिजियम, कॉलिजियम सिस्टम। आपको पता है कॉलिजियम सिस्टम में आपको अगर सुप्रीम उसकी बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो कॉलिजियम सिस्टम डिसाइड करता है किसको जज बनाना, किसको जज नहीं बनाना। तो यहाँ पर सरकार डिसाइड नहीं करती, लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करता, एग्जीक्यूटिव डिसाइड नहीं करता, तो इनका अपॉइंटमेंट का एक स्पेशल प्रोसीजर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। दूसरी चीज़, इनका टेन्यूर फिक्स होता है, ठीक है, जैसे अगर हाईकोर्ट की बात करें तो 62 साल तक रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में कोई हटा दे इनको। जबकि लेजिस्लेचर कौन होते हैं, वो मतलब लेजिस्लेचर जो होते हैं उनका टेन्यूर जनरली 5 साल रहता है, और 5 साल से पहले भी उनको हटाया जा सकता है, मगर ऐसा जुडिशरी में नहीं है। तो इनका टेन्यूर कैसा होता है, कार्यकाल फिक्स होता है, सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स और हाई कोर्ट का 62 ईयर्स। और अगर मान लो क्या कहते हैं जजेज को हटाना है, तो इसको जजेज को हटाया जा सकता है, ठीक है, मगर कैसे हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाएगा। और जजेज की कार्य प्रणाली के बारे में पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन नहीं किया जा सकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जज कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे, उसके बारे में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, इम्पीचमेंट। अगर उनको हटाना है तो ही पार्लियामेंट में जजेज से रिलेटेड कोई कार्यवाही होगी, नहीं तो जजेज के मामले में पार्लियामेंट में कोई बातचीत नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई डिस्कशन नहीं होगा। अगली चीज़ क्या है, रिटायरमेंट होने के बाद जज प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद अलग हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, इसलिए मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गन कहलाता है जुडिशरी। और जजेज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं किससे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेटिव या फिर जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे क्या रहते हैं, जुडिशरी अलग रहती है, इंडिपेंडेंट है। कैसे अलग है, तो ये इनके कामों में क्या है, दखलंदाजी नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर जुडिशरी के मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट जुडिशरी के मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकता, कोई MP MLA जुडिशरी के मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकता। इस प्रकार जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रह के काम करती है, और इंडिपेंडेंट रह के काम करेगी तभी जुडिशरी मतलब सही से काम कर पाएगी, नहीं तो फिर वो बायस्ड हो जाएगी, मतलब पक्षपात करने लग जाएगी। तो इन सारे पॉइंटों से पता चलता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, किसका, गवर्नमेंट का, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसके सारे काम क्या हैं, अलग हैं और एक सिस्टम से हैं, ठीक है।
सो थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, हाँ जो क्लास 10th के जो नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी क्लास जो टेलीग्राम चैनल बना रखा है, एक टेलीग्राम चैनल का नाम है लकी एजुकेशन, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे फिर सर्च करके लकी एजुकेशन उसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप इन्जॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।